अस्सलामुअलैकुम। ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं असद इम्तियाज। सबसे पहले ग्रेट हेडलाइंस। लाहौर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब। फलाई इदारों ने कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन काम किया। कोरोना वबा के दौरान फलाई तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया। मुखय्यर हजरात और NGOs की मदद से 600 करोड़ रुपये मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली और जनूबी वजीरस्तान की जिले सरहद के इलाके ग्रियूम शक्तू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन। रानुमा PTI अलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। शहर में गैर कानूनी तामीरात का जंगल है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवानी का मरकज बन चुकी। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में करप्शन का बाजार गर्म है। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। कराची में इमारत गिरने के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। अलीम आदिल शेख। भारतीय फौज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर उतर आई। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तरे खारजा तलबी। गवर्नर हाउस सिंध में आला सतह इजलास। इजलास की सदारत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने की। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की भी शिरकत। इजलास में मलिक रियाज हुसैन, अकील करीम टैडी, आरिफ हबीब और महमूद मौलवी की शिरकत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का नोटिस। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर दी। कमिश्नर कराची को फौरी इमदादी कार्रवाइयों के अहकामात भी दे दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली की वजह से कराची के शहरियों की जानें महफूज नहीं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज। तारीखी मरहला और जंग के सताए अफगान अवाम के लिए सुबह की नवीद है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मौक़िफ की जीत है कि सियासी तस्फिया दहरीना अफगान मसले का वाहिद हल है। शिबली फराज। नवाज शरीफ को नैब में दी जाने वाली खुराक मशकूक थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने जेल में अपने वालिद को दी जाने वाली खुराक पर शुबात का इजहार कर दिया। मैं इंग्लैंड में रात को 4 बजे निकलती हूं। मुझे कभी डर नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया की मोटरवे रेप केस पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला खैबर में फायरिंग से 2 नौजवान फुटबॉलर जहां बाग। जकात की तकसीम में करप्शन और बेकायदगियों से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जकात की तकसीम के लिए निज़ाम डिजिटल करने का फैसला। सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया। खातून ने गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर की जिंदगी बचाकर मिसाल कायम कर दी। पुलिस अफसर को गुर्दे की अशद जरूरत थी, जिस पर खातून ने अपना गुर्दा अतिया करके पुलिस अफसर की जिंदगी बचा ली। PCB से मिलने वाली मैच की फीस और महाना तनख्वाह से घर का गुजारा नहीं होता। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से खिलाड़ी मुआशी फिक्रों से आज़ाद होते हैं और इनका किचन चलता रहता है। अब खिलाड़ियों की नौकरियां छिन गई, मेरी भी तनख्वाह बंद हो गई। उमर गुल। कोरोना वबा में कमी के बाद तजारती सरगर्मियां बहाल होने से मकामी बैंकों के डिपॉजिट्स में अगस्त के दौरान 206 अरब रुपये इजाफा रिकॉर्ड। मुलजिम आबिद अली झगड़ियालू तबीयत का मालिक है, बात बात पर असला निकाल लेता है। मोटरवे रेप केस। मुलजिम आबिद अली ने अपने मामू का कत्ल क्यों किया? माँ बेटी से ज्यादती केस में मुलजिम आबिद अली को किसने बचाया? सुनिए आबिद अली के मोहल्लादारों के इंकशाफात और मुलजिम आबिद के घर के मनाजिर। PTV का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अदाकार राशिद महमूद के साथ भोंडा मजाक। अदाकार राशिद महमूद का आइंदा PTV पर काम न करने का ऐलान। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद से मुतालिक इस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ ने क्या कहा? 2013 में मुलजिम आबिद ने बहावल नगर में क्या घिनौना खेल खेला? शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद मुलजिम आबिद कैसे रिहा हुआ? बॉलीवुड के 80% सितारे रोजाना मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। रिया चक्रवर्ती ने ऐसे 25 अफराद के नाम लिए जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं।
करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में नैब के जेर हिरासत हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। खातून ने 130 पर कॉल करके बताया था कि इसे 5 लड़के हिरासा कर रहे हैं, गाड़ी का मुसलसल पीछा कर रहे हैं, अजीब अजीब इशारे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन फॉरेंसिक लैब बनाकर पंजाब के लोगों को जो तोहफा दिया था, आज उसी की बदौलत मोटरवे साने के मुजरमों को पकड़ने में मदद मिली। हिना परवेज भट्ट। सरगोधा के नवाई इलाके 17 जनूबी टांगा वाली में नौजवान ने अपनी 30 साल बहन को अपनी मर्जी से 6 शादियां करने पर मौत के घाट उतार दिया। सीसीपीओ लाहौर पुलिस उमर शेख के बयान पर एक नौजवान की इन पर तनकीद, जी सर हमें जवाब मिल गया, गलती खातून की थी। आप यही कहना चाहते हैं कि बस जाएगी तो धक्का तो लगेगा, कॉलेज बच्चियां जाएंगी तो आवाज़ें तो लगेंगी। 3381 रेप केसेस जिनमें गलती खवातीन की थी। पाकिस्तान ने किस तरह सबसे आखिर में आगाज करके उर्तुगरल गाजी के सारे व्यूवरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखिए ग्राफिक्स की मदद से इंतहाई वाज़े अक्स बंदी। ये थी ग्रेट हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.great.tv।